बहुत बड़ा माइलस्टोन है सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस फिल्म के बारे में बताइए और जो आपकी जर्नी रही है 100 फिल्म की, अगर दो लाइनों में अगर उसको बयां करना चाहें। ओके, मैंने शुरुआत की थी 1991 में हिंदी फिल्मों से। आई वॉज अ जूनियर आर्टिस्ट दैट टाइम। मैंने फूल और कांटे, जीवन एक शतरंज, काफ़ी सारे फिल्मों में काम किया तभी 1991 में। तभी मैं एक्टर रह चुका हूँ। उसके बाद तुलु कुंकरी फिल्म में मैंने लीड किया है, कैरेक्टर रोल्स, कनाडा फिल्म में काफ़ी सारे करके अभी जाके 100 फिल्म एज एन एक्टर, फुल फ्लेज्ड एक्टर कर रहा हूँ मैं। एंड मेरी पिछले कई सालों से कुछ फिल्में ऐसी हैं जो जिसमें मुझे अवार्ड मिला है। एक्चुअली टू बी फ्रैंक, हम तीनों अवार्ड विनर्स है। सो या, सो आई हैव गॉटन बेस्ट एक्टर अवार्ड फिल्म, एस्थर इज द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर अ कंपनी फिल्म एंड शी इज नॉमिनेटेड फॉर तेलुगु फिल्म्स। निहाल को रिसेंटली उसको एक मिर्ची अवार्ड मिला है। सो वी आर ऑल अवार्ड विनर्स हो गया। सो तो हाँ, आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ सपोर्टिंग कैरेक्टर रोल्स इन कनाडा। अभी मेरी शी सीजन 2 आ रही है नेटफ्लिक्स में, तो यहाँ भी काम किया है मैंने, ओडिया फिल्म में भी किया, तो कई सारे लैंग्वेज में काम किया। जर्नी इज़ बिन वेरी फैंटेस्टिक। और बीचों बीच मैंने फिल्में डायरेक्ट की है, तो गैप लिया मैंने काफ़ी, 5 साल के बाद अभी फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। राजेश जी मिले, थैंक्स टू हिम। सो एक सब्जेक्ट मैंने उनको डायरेक्ट किया, उनको पसंद आया। एक्चुअली इन्होंने अप्रूवल दिया, अश्मिता ने अप्रूवल दिया कि करेंगे। सो बैक टू डायरेक्शन विद दिस 100th फिल्म एज एन एक्टर। अजय सर, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या थॉट प्रोसेस था इस फिल्म के पीछे? जब पैंडेमिक में हम, जब लॉकडाउन लगा पैंडेमिक में और काफ़ी सालों तक, काफ़ी महीनों तक लॉकडाउन था और हम लोग घर पे बस टीवी देख रहे थे, तब थॉट आया कि कुछ कंटेंट बनाया जाए। मेरा बैकग्राउंड है, मैं जी टीवी में काम कर चुका हूँ, तो थोड़ा क्रिएटिव साइड में था मेरा और मैं काफ़ी फिल्में भी कोऑर्डिनेशन कर रहा था जब मैं दिल्ली में था। तो संजय बनर्जी जी स्टोरी लिख के आए, तो बहुत अच्छा हमें लगा। मैंने जब सुना तो ऑब्वियसली मुझे काफ़ी इमोशनल लगा, तो मैंने दोनों बेटियों को बुलाया, अश्मिता अमीशा, फिर तो उन्होंने भी सुना, दे लिटरली दे लाइक द कॉन्सेप्ट एंड देन वी एग्री। उसी दिन हमने इमीडिएटली डिसाइड किया और फिल्म का हमने अनाउंस किया। उसके बाद कोलैबोरेशन ये रहता है कि देखिए, कई कंटेंट है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, बट कई ऐसे कंटेंट हैं जो हम बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो मैंने सोचा कि बैनर ऐसे बनाया जाए जो दोनों बेटियों के नाम से हो। ऑब्वियसली द आइडिया इज़ टू मेक सम गुड कंटेंट जो फैमिली बैठ के देख सके। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो भी फिल्में बनाऊँ या जो भी आगे काम करूँ, पूरी फैमिली बैठ के देख सके। सो ये मेरा प्लान था और इसके लिए मैंने अपने बच्चों से भी डिस्कस किया, उनके नाम से बैनर बनाया, एक गाना बना चुका हूँ जिसमें आप मिल चुके हैं मुझे पहले। और आई एम ग्लैड दैट वी वर एबल टू मेक ए ब्यूटीफुल फिल्म। संदीप जी का कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छा लगा, एंड इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, द एंटायर टीम इज़ रियली अमेजिंग। बहुत अच्छा प्रोसेस था, एक फैमिली की तरह हमने काम किया और काफ़ी अच्छा अनुभूति रहा है बनाने का। खास वजह इतना ही कि श्रीदेवी, आम श्रीदेवी का सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो आई बीन फॉलोइंग हर सिंस माय चाइल्डहुड। तो वही है उसका, वो गाने का उन्होंने गाया था चांदी में, उन्होंने का वॉइस में गाना। तो और वो टाइटल एक्चुअली सूट करता है फिल्म में, कॉन्सेप्ट स्टोरी ऐसा है कि रंग भरे बादल सूट करता है। तो पहला कुछ और टाइटल रखा था हमने, वर्किंग टाइटल, उसके बाद जब से ये टाइटल रखा है तो इट्स बीन गुड। सर आप बताइए, कैसे जुड़ना हो आप, कैसा लग रहा है? मैं संदीप जी को काफ़ी टाइम से जानती हूँ, हम लोग मैंगलोरियंस हैं, ये मैं, हम तीनों एक ही होम टाउन से हैं, तो पहचान तो थी। और जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मैं ऑलरेडी जानती थी कि ये इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और दो हम पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते थे, जनरली जानते थे। पर्सनली जाना तब हुआ जब हमने साथ में शकीला नाम की एक पैन इंडियन फिल्म में काम किया, तो उसमें मैं एक्ट कर रही थी और ये प्रोडक्शन प्रोड्यूसर की तरफ से काम कर रहे थे, तो तब हमारी पहचान हुई। ज़्यादा पर्सनली जानने लगे एक दूसरे को, तब उनका पैशन मुझे पता चला कि सिनेमा, मतलब वो सिनेमा को काम समझ के नहीं करते हैं, सिनेमा से बहुत प्यार करते हैं, सिनेमा इंडस्ट्री से अपने काम से बहुत प्यार रख के वो इस इंडस्ट्री में हैं। तो जब आगे जाके, जब हम, मेरी माँ का भी प्रोडक्शन है, हम कोंकणी फिल्म्स, गोवन फिल्म्स प्रोड्यूस करते हैं, तो जब हमारे होम प्रोडक्शन का एक प्रोजेक्ट था, तब हमने फिर से मिलके साथ में काम किया। फिर उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट आया, और उससे पहले भी कोई भी उनको ऐसा प्रोजेक्ट मिलता था साउथ में जहाँ पे उनको लगता था कि मैं वहाँ पे ठीक बैठती हूँ, फिट होती हूँ, हमेशा वो मुझे कॉन्टैक्ट करते थे और बोलते थे कि मुझे आपके साथ फिर से काम करना है।
पर किसी न किसी वजह से नहीं हो रहा था वो, और फिर आया ये सब्जेक्ट और उन्होंने बोला इस बार तो आप मना कर ही नहीं सकते क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा है और मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये करें। और जब मैंने ये सब्जेक्ट सुना तो मुझे रियली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे उन्होंने ऑलरेडी बोला ये कोई इट माइट नॉट बी अ कमर्शियल फिल्म, ये कोई ऐसी कमर्शियल टिकट बिकने वाली पैसा फेंकता एक मसाला फिल्म नहीं है, पर ये एक फैमिली वैल्यूज बेस्ड स्पेशली कोरोना जैसे टाइम के बाद ऐसी फिल्म बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है, क्योंकि अब हमको पता चलता है कि रिश्ते की क्या अहमियत है हमारे लाइफ में, रिलेटिव्स हो या पेरेंट्स हो, बच्चे हो, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, इंसान को इंसान की कितनी ज़रूरत होती है, ऐसे ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर बनी फिल्म है ये। तो ये बहुत ही मुझे लगा बहुत सेंसिटिव सेंसिबल सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अभी फिल्में बननी चाहिए, ऐसी फिल्में बननी चाहिए जहाँ पे ऐसे ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में बात हो। तो उस पॉइंट को मुझे कनेक्ट हुआ और मैंने बोला चलो करते हैं इस फिल्म को। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। आपसे जानना चाहूँगा आपकी फर्स्ट फिल्म है, कितनी एक्साइटमेंट है और थोड़ा सा बताइए कि मतलब सिंगिंग से एक्टिंग कैसे मतलब ये चेंज आया और क्या कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा ईजी या डिफिकल्ट लगा? सबको नमस्कार पहली बात तो। तो मैं इस फिल्म में मैं कैसे रहा ये मैं बताऊंगा पहले। तो मैं बचपन से सिंगिंग ही कर रहा हूँ, वो छोड़ के कुछ नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई भी वो भी नहीं आती ठीक से। तो जब हमको एक गाना गाने के लिए अप्रोच किया जाता है तो हमको ब्रीफ दिया जाता है कि ये गाने में एक्चुअली सीन में क्या हो रहा है ये। तो मुझे संदीप सर का फ़ोन आया, तो मैं संदीप सर को पहले नहीं जानता था, तो मेरे एक रिलेटिव से जानता था उनको बट ऐसे पास में ही नहीं जानता था। तो मुझे पता था उन्होंने बहुत सारे उसमें काम किए तो ये सब पता था, बट फिर भी मैं उसको पर्सनली नहीं जानता। तो सर बोले कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है आपको, एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। मैंने बोला हाँ ठीक है, अगर सर आ गए घर मतलब 7:30 आने वाले थे, वो 7:15 को ही पहुँच गए थे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, बट मैंने अभी जब हम गाना एक गाना जब मुझे एक्सप्लेन अभी मैं सिंगर ऑब्वियसली मुझे गाना ही एक्सप्लेन करेंगे ना वो। तो मैंने सुना, मैं सुन रहा था ऐसे ही सब पूरा फिल्म एक्सप्लेन कर रहे हैं सब, पूरा फिल्म तो मुझे मतलब हाँ मतलब ठीक है मतलब मैं सुन सकता हूँ ऐसे, बट मैं पूरा फिल्म मुझे ब्रीफ नहीं चाहिए, बट ठीक है क्योंकि मैं सुन रहा था हाँ ओके। तो सब मैंने पूरी कहानी सुनी, उसके बाद मैंने पूछा सर सब सही है बट मुझे यहाँ गाना कहाँ आ रहा है, कहाँ पे गाना है? वो बोला नहीं गाना नहीं है आपको, आपको तो एक्ट करना है। मैंने है क्या एक्ट करना है? तो उन्होंने बोला कि हाँ आपको एक्ट करना है। मैंने बोला कि मुझे एक्टिंग तो आती नहीं है अभी लाइफ पूरी एक्टिंग में गुजर गए मतलब ऐसे मतलब एक्टिंग तो ऐसे आती नहीं है। तो सर ने मुझे कन्विंस किया और मैं फाइनली प्रोजेक्ट करने के लिए मतलब मैं आ गया मतलब इस प्रोजेक्ट में। तो ये अगर मैं फिल्म की बात करूँ तो ऐसे में ये फिल्म में आया था पढ़ने, और अगर मैं फिल्म की बात करूँ तो ये बहुत ही मॉडल बेस्ड फिल्म है और हम लोगों को क्या एक लव एंड अफेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या ज़रूरी है लाइफ में, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो और आपने पूछा कि इसमें क्या मुझे टफ लगा, मुझे पूरा एक्टिंग ही टफ लगा मतलब ये पहले मैं सोचता था ओके ठीक है अभी एक्टिंग में अभी स्क्रीन के सामने क्या है मतलब ओके एक्ट कर रहे हैं एक्टर्स डायलॉग बोल रहे हैं ओके ठीक है तो ओके मतलब ये तो मैं कर ही लूँगा ठीक है मतलब मैं कर सकता हूँ। जब मैं कैमरा के सामने आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना नहीं ये इतना आसान है तो मुझे पता नहीं कि एक्टर्स कैसे इतना एक सीन में इतना अच्छा इमोशंस कैसे पोर्ट्रे करते हैं, ये मुझे मतलब ये कितना टफ है मुझे वहाँ एक्चुअली समझ आया कि अभी मैंने पूरी फिल्म अभी मैंने तो देखी नहीं है कि मैंने क्या एक्टिंग किया है, अभी मुझे वो देखना है कि क्या किया है अभी अच्छा। मैं खुद सरप्राइज होऊंगा कि डिप्रेस होऊंगा मुझे समझ नहीं आ रहा है बट तो कुछ तो होऊंगा उस दोनों में से। किरदार के बारे में अगर थोड़ा बताया तो मेरा कैरेक्टर हाँ बोलो बोलो जो बोलना है बोलो, ये मेरे पापा हैं तो मैं इनसे दूर होता हूँ और बात होती रहती है फ़ोन में सब, और इसलिए मैंने बोला कि लव एंड अफेक्शन के बारे में है ये मतलब मेरा कैरेक्टर बेस्ड कितना पेरेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है मतलब लाइफ में पेरेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में ही मेरा पूरा कैरेक्टर इसके रिवॉल्व होता है। और
टाइम भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी ये कैरेक्टर मुझे सिखाती है, मतलब कैरेक्टर ये कैरेक्टर सिखाता है मतलब कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है और अपने लोग कितने इम्पोर्टेंट हैं और इसके बेस कैरेक्टर है, इससे ज़्यादा वह बाकी फिल्म में देख लेता हूँ, इससे ज़्यादा फिल्म में अभी आ रहा है तभी गाना तो मैंने नहीं गाया इसमें अभी। मैं देखो सर, अभी मेरे सामने दो बोर्ड्स हैं, एक है एक्टिंग एक है सिंगिंग, अब मैं दोनों के ऊपर पैर रखा तो मैं पानी में गिर जाऊंगा और मुझे स्विमिंग आती भी नहीं तो मैंने सिर्फ एक्टिंग की है इसमें। तो अश्मिता आप बताइए कि कितना मतलब डिस्कशन होता है जब कोई भी स्क्रिप्ट आती है, जैसे संदीप सर बहुत ही एक्सपीरियंस है तो उन्होंने क्या आपको ऐसी चीज़ बताई जो आपने मतलब हामी भरी है फिल्म करने के लिए, और क्या कुछ डिस्कशन हुआ था संदीप सर के साथ स्पेशली? तो ये सब तो इट्स लाइक अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। तो ये जब पहली बार आए थे घर को तो मैं पापा ने मुझे और मेरी बहन को बुलाया, हमने अच्छा ऐसा बेड टाइम स्टोरी सुनने का जैसा सुन लिया पूरा मूवी, अच्छा लगा हमको स्टोरी, तो हमने बोला कि हाँ स्टार्टिंग से एंडिंग पार्ट भी हमको बहुत अच्छा लगा, तो हमने इनको बोला हाँ अच्छा है, बट ये एक्चुअली होने वाला है, एक्चुअली हमारे नाम से ही एक बैनर होगा, प्लस हम मैं भी एक्टिंग कर रही हूँ, मेरी बहन भी एक्टिंग कर रही है, तो ऑल ऑफ दिस ये अच्छा एक्सपीरियंस बना, सो या लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर। अब मैं आई एम वेटिंग जब आप सब ये मूवी देख पाओगे और आपको कैसा अच्छा लगेगा कि नहीं, और आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैम वांटेड टू नो फ्रॉम यू, कैसा एक्सपीरियंस रहा निहाल के साथ, अब जब पता चला आपको कि निहाल सिंगर है लेकिन इस फिल्म में एक्टिंग भी करने वाला है, तो थोड़ा सा बताइए उस समय आपने क्या सोचा और कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक जब फिल्म ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है? जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हमारा होम टाउन एक ही है, तो वो इधर मतलब हिंदी इंडस्ट्री में इंडियन आइडल में आने से पहले से हमको पता है, क्योंकि मैंगलोर में वो पहले से गाता था और वहाँ पे जान पहचान थी एज अ सिंगर, हम जानते हैं, मैं खुद भी सिंगर हूँ, मैं भी छोटी उम्र से मैंगलोर कोंकणी इंडस्ट्री में गाती आई हूँ तो पहचान वैसी थी। तो मुझे भी स्क्रिप्ट सुनाया तो मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी, मुझे मेरा रोल पसंद आया, मैंने बोला हाँ। बाकी कास्टिंग का जब मैंने पूछा तब जाके इनका नाम आया कि निहाल है, मैंने बोला अच्छा उसका एक्टिंग आती है, तो बोले नहीं 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 ये रोल ऐसा है नहीं, वो करवा लेंगे उससे, वो करेगा मतलब वो सीख सकता है, वो कर सकता है ऐसा मुझे लगता है, इन्होंने बोला। मतलब ये तो आपका कॉन्फिडेंस है, अगर आपको लगता है कि आप उनसे पर्सनली मिले हैं, आपको अगर उन पर कॉन्फिडेंस है कि वो कर सकते हैं तो चलो करते हैं, आई ट्रस्टेड हिम कम्प्लीटली बिकॉज ही इज द डिसीजन मेकर इन द प्रोजेक्ट। फिर जब हम साथ में मिले, जब पहली बार साथ में मिलकर काम करना शुरू किया, देन आई एक्चुअली सॉ हिम एज अ पर्सन मोर देन जस्ट सिंगर, कि कैसा एज अ ह्यूमन एज अ लड़का कैसा है, नेचर कैसा है, ही इज ओपन टू लर्निंग, ही इज ओपन टू ट्राइंग न्यू थिंग्स, ओके नॉट बैड, क्यों आगे। मैं भी तो पहले एक्ट्रेस नहीं थी, मैं सिंगर थी, कितने सालों तक तो मैं सिंगर ही थी, फिर रिसेंटली मैंने एक्टिंग शुरू किया और मुझे भी विद टाइम एक्सपीरियंस के साथ मैं सीख गई, तो वाई नॉट, ही ऑल्सो कैन लर्न एंड ही ऑल्सो इज अ गुड लर्नर। अभी आई थिंक आई हैव सीन एज फॉर, मैंने जितना देखा है उसमें आई रियली लाइक वॉट एवर ही हैज डन। मैंने अभी पूरा एक पीस में पूरी फिल्म नहीं देखी है जो आज शाम को देखने वाली हूँ मैं, तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कैसे फॉर्म हुआ है फिल्म फाइनली। संदीप से आपसे सवाल ये है कि ये आपने कहा हिंदी में डब नहीं है, कितने और लैंग्वेज में ये फिल्म बनाई गई है साइमल्टेनियसली? हाँ, शॉट इन कनाडा, हिंदी, तुलू कोंकणी, तुलू कोंकणी बिकॉज हम लोग मैंगलोर से हैं, तो वी हैव इसमें और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैंगलोरियंस हैं, तो जिसमें जिस जेल लगे जैसे कि उदय है, सीमा है, फिर अश्विन का पॉडविन, काफ़ी सारे लोग हैं, तो वो कम्युनिटी दाइजी वर्ल्ड एक टेलीविजन है जो दुबई गल्फ कंट्रीज में भी बहुत उसके टेलीकास्ट, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम मैंगलोर एंड गल्फ कंट्रीज, सो वी हैव अ फैन फॉलोअर्स देयर, तो हमने तुलू कोंकणी में भी किया। अभी रिसेंटली हमको तमिल, तेलुगु, मलयालम से भी ऑफर आए हैं इसको डब करने के लिए, सो वी हैव जस्ट शॉट दिस इन दिस लैंग्वेजेस, और ये हिंदी इंग्लिश भी है बिकॉज इसमें हर इसमें लैंग्वेज में इंग्लिश भी है बिकॉज सम कैरेक्टर स्पीक इंग्लिश, इट्स अ क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन फैमिली पर है तो इंग्लिश इट्स वेरी कॉमन टू स्पीक, सो इंग्लिश हिंदी, कन्नडा इंग्लिश, कोंकणी इंग्लिश, तुलू इंग्लिश, सब हर लैंग्वेज में इंग्लिश है। इसमें यूनिकनेस काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि एक इंग्लिश गाना है इसमें जूली में, जब माई हार्ट इज़ बीटिंग था, उसके बाद ज़्यादातर उतना फेमस सॉन्ग नहीं थे हिंदी फिल्म में इंग्लिश गाने, तो हमारे फिल्म में इंग्लिश गाना कंप्लीट इंग्लिश सॉन्ग है, फुल फ्रेश। और जैसे कि मैं दो एग्जाम्पल देना चाहूँगा, लगान जब
जब फिल्म देखे अपने लगान, जब तक आप थिएटर में जाके आपने फिल्म देखा तब तक आपको पता नहीं था कि फिल्म अबाउट क्रिकेट, तो लगे रहो मुन्ना भाई भी ऐसा था कि जब पिक्चर देखने के बाद लगे इसमें गांधी है। ऐसा हमारी फिल्म में कुछ यूनिकनेस है जो हम कहीं रिवील नहीं कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे, ना ही स्टोरी लाइन में, ना ही प्रोमो टीजर, कहीं भी। इवन शूट करते समय हमने वो कैमरा वैमरा मोबाइल सब किसको बोला कर रहे, तो दैट स्पेशलिटी इज देयर जो आपको पक्का गूज़बम्प्स लाएगा आपको जब फिल्म देखेंगे। तो दैट इज देयर यूनिकनेस इन द फिल्म, स्पेशल नहीं, वेरी यूनिकनेस है। तो दैट्स वन थिंग। और जैसा कि इस फिल्म में नो सेक्स, नो वायलेंस, नो ड्रग्स, नो नेगेटिविटी, पूरा लाइक एवरीबडी, बच्चे से लेके बूढ़ा, एवरीबडी कैन वॉच दिस फिल्म हैप्पीली। इमोशनली वेरी इमोशनली आपको मुस्कुरा, यू विल स्माइल, यू विल क्राई ऑल्सो, उतना आपको पक्का, यू विल हैव टू टेक टिश्यू पेपर्स एंड हैंडकरचीफ्स। हमने जितने लोग ने भी अभी फिल्म देखी है, वी आर नॉट शोन टू मेनी पीपल, बट फ्यू पीपल लाइक जस्ट टू गेट ओपिनियन ना, तो हमने वो ट्रिम भी किया। पिक्चर पूरा 2 hours 15 minutes था, हमने 10 मिनट ट्रिम कर दिया, तो जैसे दिखाने के लिए होता है ना। तो उन्होंने यही कहा कि नो नेगेटिविटी, सबको पसंद आए, सब लोग यही बोल रहा कि आप सबको रुला दोगे फिल्म। तो हाँ, तो ये अभी उन्होंने याद दिलाया, दो फिल्म को उन्होंने ये थे कि बागबान और तारे ज़मीन पर के बाद जो फिल्म जिसको जिस रहा ये फिल्म, बिकॉज ऑफलेटली एक दो दो साल तो कोरोना टाइम, तो पैंडमिक भी जो OTT में देखे, एंड मोर ऑफ फिल्म्स आर ऑल वायलेंस, एक्शन, कॉमेडी, बट ऐसा फैमिली फिल्म हैज़ नॉट कम। सो बागबान इज मच बिहाइंड दैट, तो वैसा है फिल्म। और इसमें वेटरन एक्ट्रेस है जयलक्ष्मी, जो पुणे इंस्टीट्यूट से वो थी, उशीज है। फिर मेरा बेटा है सिल्वर मलानी, जो फिल्म को डायरेक्ट किया मेरे साथ, और संतोष चावला, दो डायरेक्टर्स हैं इसमें। म्यूजिक डायरेक्टर्स चार हैं, एक तो वीर समत है, पैटसन पेरेरा जो है, और राहुल राज, और इंडियन आइडल का एक फेमस सिंगर आशीष कुलकर्णी, उसका भी गाना है इस फिल्म में। तो 4 म्यूजिक डायरेक्टर्स, सेल्वम कैमरामैन, लॉट ऑफ टेक्नीशियंस, लॉट ऑफ न्यू, आपको एक फ्रेशनेस दिखाई देगा, ऑल न्यू कम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, एक फ्रेशनेस, दैट्स व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। यार लास्टली आप दोनों से जानना चाहूंगा, इन दिनों जो है बॉलीवुड में एक डिबेट चल रहा है, बॉलीवुड सिनेमा वर्सेस साउथ सिनेमा, हाँ, तो एज अ डायरेक्टर और एज अ प्रोड्यूसर आप दोनों का क्या ओपिनियन है उसके ऊपर, अगर कुछ कहना चाहें? सो सी आई एम बैलेंस कर रहा हूँ, मैंने हिंदी फिल्म में भी काम किया, मैंने साउथ में भी काम किया, सो ये सो आई एम बैलेंसिंग बोथ। आई एम, जब मैं यहाँ हूँ सो पीपल टेक साउथ इंडियन डायरेक्टर, ओके, जब मैं वहाँ हूँ तो बोलते बॉलीवुड डायरेक्टर, सो इट्स लाइक बोथ आर इक्वल फॉर मी। सो आई एम बैलेंस, तो शुरुआत भी यहीं से किया मैंने, सो फॉर मी इट्स लाइक इंडियन सिनेमा, एवरीबडी सेइंग दैट, बट जेन्युइनली आई फील इट्स इंडियन सिनेमा। एंड मोर ओवर वी आर वेरी प्राउड दैट कि आज साउथ इंडस्ट्रीज लुक्ड अप टू, एंड मोर ओवर हम लोग कर्नाटक से, कन्नडा इंडस्ट्री, सो KGF ने वो बार ऑलरेडी ऊपर फैला दिया। अभी चार्ली 777 एक फिल्म आ रही है नेक्स्ट वीक, उसका भी लाइक एवरीबडी इज वेरी मच एक्साइटेड। सो कन्नडा इंडस्ट्रीज लुक्ड अप टू, कन्नडा इंडस्ट्री को उतने लोग ये नहीं कर, साउथ एवरीबडी थिंक्स मद्रास, मद्रासी साउथ, तमिल फिल्म, तेलुगु फिल्म, कन्नडा को उतने इंपॉर्टेंस दे नहीं रहते, बट कन्नडा फिल्म ऑल्सो वेर एक्चुअली वेरी मच, काफ़ी सारे फिल्में जो एग्जाम्पल जो तेरी मेहरबानिया फिल्म है ना, जो कंपेयर कर रहे हैं 4077 के, तेरी मेहरबानी के ओरिजिनल वो सा कन्नडा फिल्म, हाँ वो कुछ डॉग जाकी शॉप रोज कन्नडा फिल्म, लॉट ऑफ फिल्म्स आर फ्रॉम कन्नडा, स्वदेश का ओरिजिनल वॉज कन्नडा फिल्म जो शाहरुख खान की, तो मेनी फिल्म्स आर फ्रॉम देयर विच वॉज मेड हियर, बट उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला उनको, वो फेस्टिवल जाते थे ऐसे, बट नो प्रॉब्लम, बट राइट नाउ बट एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कन्नडा फिल्म, सो वी आर ऑल्सो प्राउड कि हमारी कन्नडा फिल्म है जो हिंदी में भी बनी है, दैट्स व्हाट यू से। हाँ वो एक्चुअली KGF 2 में भी था एक्चुअली, लेकिन लास्ट मिनट में शूट पर नहीं जा पाया, बिकॉज हम वो शकीला फिल्म एज एन प्रोड्यूसर में कर, मैं यहाँ मुंबई में था और फिर चेन्नई में था, एंड दो बार और डेट्स मैच नहीं हो पा रही थी, सो आई वॉज एक्चुअली प्लेइंग KGF, अगर आपने देखा तो मेरा कैरेक्टर फिक्स हुआ था, मैं यश का डैडी का रोल कर रहा था, डैडी बड़े रखे ड्रंकर का रोल था। फिर सेकेंड टाइम मेरा जब शूट था रवि टंडन के साथ था, तो दोनों बार नहीं, पर KGF 3 में 100% में हूँ मैं, कन्फर्म्ड है वो। सेम क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आंसर इन डिफरेंट वे, आपने समंदर देखा मुंबई में भी है, वेव्स कैसे आते हैं, तो मैं कंपेयर करना चाहूँगा, अभी वेव है साउथ का, एंड द वेव ऑफ हिंदी कैन ऑलवेज कम बैक, दे नीड टू डू इंट्रोस्पेक्शन एंड थोड़ा बहुत स्टीरियोटिपिकल नहीं करके कुछ ओरिजिनल आइडियाज़ लिखना है, वॉट इज़ देयर इन साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज ओरिजिनलिटी, काफ़ी ओरिजिनल स्टोरीज हैं एंड पीपल आर लविंग इट, and I think I would not say South या Hindi, let's call it an Indian film, all these films are being made as Indian films, Hindi में भी हो रहा है, Kannada में भी हो रहा है, Telugu में भी हो रहा है, Tamil में भी हो रहा है, तो हर language में फिल्में बन रही हैं, so I think it was time कि South के stars भी globally ये, क्योंकि बहुत सारे
बहुत बहुत से हम देख रहे हैं कि सोनी मैक्स पे और ये पे जो फिल्में आती हैं सारे डब फिल्में हैं। मैं भी और मैं मेरे पापा के साथ भी बैठ के देखता था, तो हम सब लोग जानते हैं रजनीकांत कौन है और बाकी जितने साउथ के टॉप एक्टर्स हैं कमल हसन कौन है सब जानते थे। बट देन यू नो द काइंड ऑफ वेव दिस न्यू जनरेशन एक्टर्स हैव ब्रॉट इन, अल्लू अर्जुन को तो आप भी जानते हैं बहुत पहले से, तो अभी ये है कि मैं कहूँगा कि ये वेव है and it can always you know come towards Mumbai. So I won't say कि हम comparison करें या अभी वो ऊपर है ये नीचे है, ऐसा नहीं है। I'm sure this wave will balance out and I'm sure people will learn from each other, from industries, cross industry. It is a good thing. अभी करण जो साहब आके साउथ में भी बोल के जाए कि मैं प्रोड्यूस करूँगा, एंड बहुत सारी फिल्में अल्लू अरविंद जी ने अभी वो फिल्म प्रोड्यूस किया है जर्सी। सो ऑल दीज थिंग्स आर ग्रेट, जो भी अभी जो वेव है वो बहुत अच्छा है। आई थिंक इट्स गुड, इट्स बैलेंसिंग थिंग्स आउट, सो दिस इज माई। जरूर एस्थर जी बहुत अच्छा गाती है, निहाल को तो आप जानते हो बट एस्थर जी बहुत एस्थर या अलग अलग आएंगे, डुएट्स तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी हम ओके तो अभी रिसेंटली के सर का डेथ हुआ, उनको बहुत ही मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड था ये कि मतलब हमको पहले लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और सब लोग बहुत ही डिप्रेस थे, हमारे घर पे भी बहुत ही मतलब हम लोग बहुत ही सैड थे क्योंकि के सर ने लिटरली हमारा बचपन बनाया है। तो मैं एक गाना मैं उनको डेडिकेट करके गाना चाहता हूँ, है बस मुझे एक मिनट दीजिए मैं दिल के मेरा शोर करे इधर नहीं उधर नहीं तेरी और चले दिल की मेरा शोर करे दिल की मेरा शोर करे इधर हमेशा से रहा है, तो कोई हिंदी सॉन्ग बोलते तो मैं पहले यही गाती हूँ। नहीं 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 ये बातें हैं पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हरूका इसको किसने है ये तो बहता पानी, पहेली है ये कैसे पहेली जिंदगानी। ला 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 ज़ू ज़ू
गाना रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत अच्छा गाती है, उस पर वीडियो भी बना है, डेस्पासितो बहुत अच्छा गाना है, प्लीज दो लाइन है उसका भी। डेस्पासितो का कवर वर्जन बनाया था मैंने, तो जो वो ऑफिशियल कवर्स बन गए, तेलुगु में बनाया था और कोंकणी में बनाया था, तो क्योंकि हमारा मदर टंग कोंकणी है, आई विल सिंग द कोंकणी वर्जन। तू केनो दिन बोले पावती मा का पोइताना काल संत मोचा मारी उड़काना आतागीते गोरुते मा का सोंसाना दीसा क्रातिक तुझी सोपना ये लागे लागे मुरुन मा का आपोईताई वेंगें धोरु नुनु नुनु में दीताई मुर्ताई मुझे मोगो कोरताई तू खोरो हाँ लजुन मुझे जीव हो खकता भिया ने कारिस मुझे धड़धड़ता चिंता सोपान मुझे जारी जाल्यार पूरो Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Calza bitter con singela tu sofoto Mogo muzo coro re ne ho coro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Calza bitter con singela tu sofoto Mogo muzo coro re ne ho coro Thank you so much. Thank you. And Ali Rakesh ji ka watch a trailer.